दोस्तों, आज की हमारी थाई हॉरर मूवी सबको हिला देगी, जिसका नाम है थॉन्ग सुक 13 या फिर लॉन्ग वीकेंड। ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो एक श्रापित आइलैंड पे फंस जाएंगे और आईएमडीबी ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मूवी की कहानी मेरे को पर्सनली कमाल की लगी और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं थॉन्ग सुक 13 मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो बीमार थी और स्कूल के नर्सिंग रूम में लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, नाम का आज बर्थडे था, पर हमें पता चलता है कि नाम की मम्मी उसका बर्थडे कभी भी नहीं मनाती, और ये बात आप लोग याद रखना। अब नाम को उस जगह पे मिलता है थॉन्ग सुक नाम का एक लड़का। थॉन्ग सुक को किसी बच्चे ने आज घूसा मार दिया था, पर वो आज नाम से दोस्ती कर लेता है। उन दोनों की बातों में थॉन्ग सुक को पता चलता है कि नाम को हॉरर चीजों का शौक है, जिसके बाद थॉन्ग सुक नाम से पूछता है कि क्या वो भूतों को देखना चाहेगी। अब नाम एक्साइटेड हो जाती है, और असल में थॉन्ग सुक भूतों को देख सकता था और ईविल शक्तियों से थॉन्ग सुक को बस एक एम्यूलेट बचा रहा था। अब नाम को भूतों से मिलवाने के लिए थॉन्ग सुक वो एम्यूलेट उतार देता है और बोलता है कि अगर मेरे को कुछ भी हो तो तुम मुझे ये एम्यूलेट वापस पहना देना। पर तभी कोई ईविल स्पिरिट थॉन्ग सुक पे हमला कर देती है। वो एंटिटी थॉन्ग सुक को पोजेस करने लगती है, जिससे उसका सर फट जाता है और नाम बुरी तरीके से डर जाती है। नाम हिम्मत करके थॉन्ग सुक को वो एम्यूलेट पहनाने की कोशिश करती है, पर वो पहना नहीं पाती क्योंकि थॉन्ग सुक डिमोनिक हो गया था। नाम एम्यूलेट को फेंक कर वहां से चले जाती है, पर बाद में थॉन्ग सुक की माँ उसे आकर एम्यूलेट पहना देती है और वो ठीक हो जाता है। नाम ये सब कुछ दूर से ही देख रही थी, जिसके बाद नाम को लगता है कि उसकी दोस्ती खत्म हो गई। बट अगले दिन थॉन्ग सुक नाम के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आता है। थॉन्ग सुक ने नाम को ऑलरेडी माफ भी कर दिया था, पर सर पे चोट लगने की वजह से अब वो थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड हो गया था। खैर, इसके बाद उन दोनों की दोस्ती चलती रहती है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। थॉन्ग सुक और नाम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, और थॉन्ग सुक बड़े होने के बाद नाम से प्यार भी करने लगा था। क्लास के अंदर नाम की वजह से थॉन्ग सुक के चार और दोस्त बन गए थे, पर वो लोग थॉन्ग सुक को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बॉय नाम का लड़का नाम पे लाइन मारता रहता था, और अब क्लास के बाद बॉय, जैक, पुई और बीम ये सारे लोग नाम को लेकर साइंस लैब में जाते हैं। वो सब लोग थॉन्ग सुक के बिना छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते थे, जो नाम को अच्छा तो नहीं लगता, पर प्रीयर प्रेशर की वजह से वो मना नहीं कर पाती। उन लोगों का प्लान था एक आइलैंड पे घूमने का, जिसका नक्शा वो लोग फेंक देते हैं और वो नक्शा थॉन्ग सुक को मिल जाता है। अब नेक्स्ट डे थॉन्ग सुक को छोड़ के सब लोग निकल जाते हैं आइलैंड के लिए, पर जो बोटमैन था वो बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि सब लोग उस आइलैंड पे घूमने के लिए जा रहे थे, जबकि उस आइलैंड की एक बहुत ज्यादा खराब हिस्ट्री है। बोटमैन बताता है कि इस आइलैंड पे बहुत पहले फ्राइडे 13th की रात को एक सेरेमनी करी गई थी, जिसका नाम था डिवोरिंग स्पिरिट सेरेमनी, जिसमें कुछ गलत हो गया था और सब लोग मारे गए थे। हम लोग पास्ट में सेरेमनी को भी देख पाते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग मंत्र पढ़ रहे थे। एक गुफा जैसी जगह के अंदर उन्होंने जानवर वगैरह बंद कर रखे थे, और बहुत सारी डिमोनिक शक्तियाँ वहाँ पर आ गई थी। जानवरों का खून हर जगह फैल गया था, पर कहानी पूरा होने से पहले ही सब लोग आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। बोटमैन बोलता है कि वो अगली सुबह सबको लेने के लिए आएगा, जिसके बाद सब लोग आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पे बॉय की फैमिली का एक घर है, जो कुछ ही टाइम पहले उसकी फैमिली को मिला है, क्योंकि इस घर के मालिक ने बॉय के पापा को लोन नहीं चुकाया था। वो घर अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा था और वेकेशन के लिए परफेक्ट था। वहां पे पहुंचते ही बॉय नाम पे फिर से लाइन वगैरह मारने लगता है, और वो थॉन्ग सुक की एक्टिंग करके उसका मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आता था कि नाम जैसी लड़की थॉन्ग सुक की दोस्त कैसे बन गई। पर तभी क्लोजेट में होती है एक आवाज। खैर, क्लोजेट के अंदर तो कोई भी नहीं था, पर कमरे में आ जाता है थॉन्ग सुक, जो नाम को डरा देता है। थॉन्ग सुक को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, पर नाम खुश होती है। अब इसके बाद वो छह लोग मस्ती करते हैं, और मस्ती के बीच में थॉन्ग सुक के साथ इस तरीके से मजाक करते हैं, जिससे नाम को भी बुरा ना लगे और वो लोग थॉन्ग सुक को परेशान भी करते रहे।
खैर अब आगे वो आइलैंड वाली स्टोरी बॉय खत्म करता है जो उसके पापा ने उसे सुनाई थी। सेरेमनी की रात को एक लड़के से होली कैंडल गिर गई थी और डीमंस गुस्सा हो गए थे। उस गुफा का दरवाजा खुल गया था और हर जगह खूनी खून हो गया था, जिसके बाद डिमोनिक शक्तियों ने सारे के सारे लोगों को बुरी तरीके से मार डाला था। अब इसके बाद नेक्स्ट डे नाम पुई के बैग में से दो पेन किलर्स ले लेती है, पर पुई बताना भूल गई थी कि वो बहुत ज्यादा हैवी दवाइयां है और इसका मतलब अब नाम पूरे दो दिन तक सिर्फ सोती ही रहेगी। अब नाम के सोने के बाद बीम, जैक और बॉय थोंगसुक को अपने साथ ले जाते हैं उस जगह पर जहां पर रिचुअल हुआ था, पर ऑब्वियसली थोंगसुक को डर लग रहा था। सेरेमनी वाली वो खंडर जगह देखकर थोंगसुक को फीलिंग आ जाती है कि वहां पे इविल शक्तियां हैं, पर सब लोग इसके बावजूद भी अंदर जाते हैं। बॉय थोंगसुक की आंखों पे पट्टी भी बांध देता है और उस जगह के अंदर सबको मिलती है वही छोटी सी गुफा जिसके अंदर से डीमंस निकले थे। उस गुफा का दरवाजा खोल के वो लोग जानबूझकर थोंगसुक को अंदर बंद कर देते हैं, पर रिचुअल वगैरह की चीजें देखकर अब बीम को भी डर लगने लगा था। सब लोग थोंगसुक का मजाक उड़ाते हैं, पर तभी बॉय को मिलता है उसका एम्यूलेट जो थोंगसुक के गले से निकल गया था। अब अचानक ही उस गुफा के दरवाजे में ताला भी लग जाता है और अंदर एक डिमोनिक एंटिटी थोंगसुक को पकड़ लेती है। थोंगसुक की आवाज डिमोनिक हो जाती है और अब किसी भी तरह उन लोगों को ताला तोड़ना था। ताला तोड़ने के लिए कोई भी चीज वहां पर उन्हें नहीं मिलती और उन लोगों को वापस घर जाना पड़ता है एक क्रोबार लेने के लिए, पर कोई भी थोंगसुक के साथ उस डरावनी जगह पर नहीं रुकता। सब लोग वापस घर पहुंचते हैं जहां पे उनके पास आती है पुई जो नशे में धुत थी। पुई बीम को आकर किस करने लगती है और बाहर आ जाता है एक तूफान, मतलब वो लोग अब अगली सुबह तक वापस नहीं जा सकते। वो सब लोग अब घर पर ही रुककर पार्टी वगैरह करने लगते हैं और नशे में धुत होकर सो जाते हैं। अगली सुबह नाम सोकर उठती है क्योंकि उसे थोंगसुक के बारे में बुरा सपना आया था। जागने के बाद घर की हालत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बुरी थी और उसे थोंगसुक कहीं भी नहीं दिख रहा था, जिससे नाम को चिंता हो जाती है। थोड़ी देर बाद नाम को थोंगसुक का एम्यूलेट मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत बॉय को उठाती है। अब नाम को जब सब पता चलता है तो सब तुरंत जाते हैं गुफा का ताला तोड़ने के लिए, पर अब उसके अंदर कोई भी नहीं था। नाम सब लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक के कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो को देखने पे पता चलता है कि गुफा के अंदर से कुछ डिमोनिक बाहर निकला था। सब लोग अब थोंगसुक को पूरे आइलैंड पे ढूंढते हैं, पर ना ही उन्हें कोई इंसान मिलता है और ना ही कोई जानवर। बोटमैन अब उन सबको लेने भी आ गया था और लिटरली नाम को छोड़ के सब लोग वापस घर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि थोंगसुक भी घर चले गया होगा। अब नाम जब थोंगसुक के बिना घर नहीं जाती तो ऑब्वियसली सबको उसकी वजह से रुकना पड़ता है, पर बोटमैन सबको चेतावनी देता है क्योंकि आज की रात ही रिचुअल वाली रात थी, मतलब आज की रात 12 बजने के बाद फ्राइडे द 13th लग जाएगा जिस दिन वो रिचुअल करा गया था। खैर बोटमैन के जाने के बाद एक पल के लिए जैक को थोंगसुक दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। सब लोग फिर से सेरेमनी वाली जगह पे जाते हैं थोंगसुक को ढूंढने के लिए, जहां पे वो गुफा वाला दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुस्से में आकर बॉय दरवाजे को खोलता है पर अंदर कोई भी नहीं था, और तभी पुई को दीवार पे एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है। वो एंटिटी पुई को बुरी तरीके से डरा देती है और तभी पत्थर वगैरह भी गिरने लगते हैं। सब लोग भागते हैं और इस भागदौड़ में नाम से थोंगसुक का वो एम्युलेट गिर जाता है। किसी तरह सब लोग घर पहुंचते हैं, पर घर का दरवाजा खोलता है थोंगसुक जो सही सलामत वापस आ गया था, जिससे सबकी जान में जान आती है। पर थोंगसुक के अंदर हम लोग इविल शक्तियों को देख पा रहे थे। सब लोग थोंगसुक से पूछते हैं कि क्या हुआ था, पर थोंगसुक अब इविल हरकतें कर रहा था जिससे पुई के सर में दर्द होने लगता है। अब रात के 12 बजे फ्राइडे द 13th तारीख लग जाती है जिस दिन रिचुअल किया गया था, जिसके साथ ही साथ थोंगसुक और ज्यादा डिमोनिक हो जाता है। जैक को घर के बाहर डिमोनिक शक्तियां दिखाई देती है और दूसरी तरफ पुई अभी भी बुरी तरीके से डरी हुई थी। अब अगली सुबह पुई सोकर उठती है तो बीम कमरे में नहीं थी। पुई को लगता है कि सब लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और वो भी अपना सामान वगैरह पैक करके किनारे की तरफ भागती है, पर भागते भागते रात हो जाती है और पुई को मिलती है बीम, जिसकी गर्दन
उल्टी हो जाती है और भीम गायब हो जाती है। डर के मारे पुई चिल्लाकर भागती है और जब वो घर पहुंचती है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और तभी दरवाजे पे आती है पोजेस्ड पुई। हम लोगों को यहाँ पे अब पता चलता है कि किसी डिमोनिक शक्ति ने पुई को पोजेस कर लिया है और अब पुई की असली आत्मा अपने दिमाग में कैद हो गई है घर के बाहर। ये जानने के बाद पुई की आत्मा रोने लगती है और रियल दुनिया में घर के अंदर नाम को खिड़की के बाहर से आवाजें आ रही थी। असल में दोस्तों पुई की आत्मा घर के बाहर कैद थी जिसे नाम देख नहीं पा रही थी। पुई की आत्मा खिड़की पे हेल्प भी लिखती है जिससे नाम बस और ज्यादा डर जाती है और तभी वहां पे बॉय आ जाता है। बॉय नाम को संभाल ही रहा था कि तभी कमरे में से भीम चिल्लाती है और कमरे में जाने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पोजेस्ड पुई पूरी तरीके से डिमोनिक हो गई थी और वो बेड पे उल्टा होकर नाच रही थी। पोजेस्ड पुई सारे लोगों को बुरी तरीके से डरा देती है और अचानक ही भागती है और खिड़की से बाहर जाकर कूद जाती है। भीम और बाकी लोग तुरंत ही पुई के पास पहुंचते हैं जहां पर अब पुई का जबड़ा पूरी तरीके से टूट गया था और सबके सामने ही पुई को डिमोनिक शक्तियां अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर ऑब्वियसली सबकी सांसें अटक गई थी और तभी वहां पे आ जाता है थोंगसुक। थोंगसुक सबको घर के बाहर ले जाने लगता है पर नाम सबको रोक देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो असली थोंगसुक नहीं है। थोंगसुक भी घर के बाहर जाकर डिमोनिक बन के गायब हो जाता है और अब पूरे घर की खिड़कियां और कांच की चीजें टूट जाती है। सारे लोग जमीन पे गिर जाते हैं और घर के अंदर दर्जनों डिमोनिक शक्तियां आ जाती है। एक ईविल आत्मा नाम पे भी हमला कर देती है और उसे बॉय आकर बचाता है। अब नाम बॉय और जैक घर के बाहर भागते हैं पर भीम गायब हो गई थी और तभी उन तीनों के सामने आ जाता है एक अनजान बूढ़ा काढ़ा आदमी। वो आदमी उन तीनों से पूछता है कि घर के अंदर और कोई तो नहीं है और तभी ऊपर के फ्लोर से आती है भीम की चिल्लाने की आवाज। हम लोगों को एक क्विक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से सालों पहले रिचुअल खराब हो गया था और ये एक लौता इंसान है जो आइलैंड पे जिंदा है। वो आदमी एक अगरबत्ती जलाता है और सबको बोलता है अगरबत्ती के पास ही रहने के लिए, जिसके बाद वो जाता है भीम को बचाने। भीम कुछ ही सेकंड्स में अपने दोस्तों के पास लौट आती है और अब वो आदमी डिमोनिक शक्तियों से अकेला ही मुकाबला करता है। डीमंस उस आदमी को वापस कमरे के अंदर फेंक देते हैं और सारे बच्चे उसको संभालते हैं। अब वो आदमी सब लोगों को एक एक अगरबत्ती दे देता है जिसके सहारे उनका प्लान था किनारे तक पहुंचने का, बट घर से निकलते ही तूफान आ जाता है, बिजली गिरने लगती है और सबको घर के अंदर वापस भागना पड़ता है। घर के अंदर आने पे वो आदमी बोलता है कि ये डीमंस इतने ज्यादा आक्रामक कभी भी नहीं थे और जैक बताता है कि उन लोगों ने थोंगसुक को गुफा में लॉक कर दिया था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। खैर अब उन लोगों को सरवाइव करना था और इसलिए वो आदमी बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। उस आदमी के कहने पे बॉय एक धागे से आसपास सर्कल बना देता है जिसके अंदर आत्माएं नहीं आ सकती थी। वो आदमी अब एक कैंडल निकालता है और बोलता है कि ये कैंडल डीमंस को घर से भगा सकती है पर ये काम किसी लड़की को करना होगा। वो कैंडल अब नाम लेके जलाती है और जाती है डीमंस को भगाने के लिए और उस आदमी के हिसाब से जब तक कैंडल जलती रहेगी डीमंस नाम को नहीं मार पाएंगे। नाम अब घर के अंधेरे में कैंडल के साथ आगे बढ़ती है और उसके आसपास पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और दूसरी तरफ वो आदमी बताता है कि उन्हें आधी रात होने से पहले आइलैंड से भागना होगा वरना नरक का दरवाजा खुल जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे और अब उनपे बस 45 मिनट बचे थे। अब इसके बाद नाम को फाइनली मिल जाती है एक डिमोनिक एंटिटी पर इससे पहले नाम उसे भगा पाती वो एंटिटी नाम पर ही हमला कर देती है। वो एंटिटी नाम के ऊपर खड़े होकर हंसने लगती है पर एंड टाइम पे नाम उसे मोमबत्ती के इस्तेमाल से भगा देती है। नाम अब आगे बढ़ती है पर अचानक ही उसके सामने आ जाती है उसकी मम्मी जो ऑब्वियसली एक डीमन थी। अब वो डीमन नाम को मैनिपुलेट करता है और यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि ये सब बस नकली है और वो बस एक सपना देख रही है और वहीं दूसरी तरफ
एक भयंकर आत्मा उस सर्कल के बाहर आकर सब लोगों को डराने लगी थी। अब आगे नाम को लगने लगता है कि वो अभी भी एक बच्ची है जो बस सपना देख रही थी, और तभी उसकी माँ आ जाती है उसका बर्थडे केक लेके। मतलब जैसे ही नाम केक की कैंडल बुझाएगी, रियल में डीमन उसे मार डालेगा। पर नाम को एंड में याद आ जाता है कि उसकी माँ तो उसका बर्थडे मनाती ही नहीं। नाम डीमन की चाल समझ जाती है और वो केक में से कैंडल निकाल कर डीमन को ही मार देती है। और दोस्तों, एक पल के लिए डीमन के अंदर हमें थोंगसुक दिखाई देता है। मतलब डीमन ने थोंगसुक को हमेशा के लिए पकड़ रखा है। अब नाम ने डीमंस को तो घर से भगा दिया था, पर अब एक लास्ट भूत घर के अंदर बचा था, और उस आदमी को अपने मंत्रों की शक्ति से पता चलता है कि वो भूत बीम बॉय और जैक में से ही कोई एक है। जी हाँ दोस्तों, उन तीनों में से कोई एक ऑलरेडी मर चुका है। वो आदमी अब तीनों लोगों को ही वुडन स्टेक्स दे देता है ताकि भूत का पता चलते ही उसे मारा जा सके। और अब नाम का काम था अपने मरे हुए दोस्त की डेड बॉडी को ढूंढने का। अब नाम बॉडी को ढूंढना शुरू करती है और तीनों दोस्त अब एक दूसरे पे वुडन स्टेक लेके तैयार खड़े थे एक दूसरे को मारने के लिए। थोड़ी देर बाद नाम को बॉडी मिल जाती है और वो लाश थी जैक की। नाम जैसे ही जैक का नाम लेती है, बॉय जैक को मारने के लिए बढ़ता है, पर जैक उल्टा बॉय को ही स्टैब कर देता है। जैक बोलता है कि वो कोई भूत नहीं है, जिसके बाद वो आदमी नाम को चिल्लाकर बोलता है लाश को जलाने के लिए। अब जैसे ही नाम लाश को जलाती है, वो लाश बदल जाती है बीम में। मतलब दोस्तों, असलियत में बीम मर चुकी है। उस प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर अब बीम अचानक ही डिमोनिक हो जाती है और उस आदमी के गले में स्टैब करके गायब हो जाती है। दोनों लड़के घायल आदमी को संभालते हैं, पर वो आदमी बस इतना बोल के मर जाता है कि उन लोगों को थोंगसुक को ढूंढना होगा। अब उस आदमी के मरते ही आसपास की सारी चीजें धूल में बदल जाती है और बॉय जैक और नाम पहुंच जाते हैं उस सेरेमनी वाली जगह पे। खैर, वो लोग उस धागे के सर्कल के अंदर सेफ थे, पर वहां पे सर्कल के बाहर आ जाता है डिमोनिक थोंगसुक। थोंगसुक अब बोलता है कि वो सब लोग मारे जाएंगे, पर जो बंदा धागे को काट देगा उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। ये बात जान के जैक के मन में खुशी और लालच आ जाता है, और ऑब्वियसली वो अपने दोस्तों के मना करने के बाद भी धागा तोड़ के अपनी जान बचा के भाग जाता है। जैक के भागने के बाद थोंगसुक बोलता है कि मैं तो बस एक भूत हूँ, पर तुम लोग पागल हो, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। मतलब वो असली थोंगसुक नहीं था। सीन जाता है जैक पे, जो भागकर पहुंच गया था बोट के पास, पर बोट चालू नहीं हो रही थी। अब अचानक ही बोट में आकर बैठ जाती है बीम की आत्मा, जो जैक को देखकर बार बार जोर जोर से हंसने लगती है। आत्मा को इग्नोर करके जैक इंजन चालू करता है, और इंजन चालू होते ही जैक बीम की आत्मा को एक क्रोबार से मार के भगा देता है, जिससे आत्मा तो गायब हो जाती है, पर जैक हड़बड़ाकर नदी के अंदर गिर जाता है। उसके पेट में एक बड़ा सा लकड़ा घुस जाता है और बोट का इंजन उसी के शरीर को दो टुकड़ों में काट डालता है, और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। सीन वापस जाता है नाम और बॉय पे, जहां पर बॉय अब बहुत ज्यादा घायल था, पर नाम उसे छोड़ के अकेला नहीं जाना चाहती थी। और तभी असली थोंगसुक उस गुफा के अंदर से बाहर निकलता है। नाम और बॉय थोंगसुक को देखकर चौंक जाते हैं, पर आधी रात हो गई थी और नरक से डीमन आ गया था, जो उन दोनों के सामने ही थोंगसुक के शरीर के अंदर चले जाता है। थोंगसुक डिमोनिक हो जाता है और बॉय नाम को अकेला ही भगा देता है, पर वो डीमन लड़ाई के अंदर एक ही झटके में बॉय को मार डालता है। दूसरी तरफ अब नाम जंगल में डर के मारे बचकर भाग रही थी कि तभी उसे पकड़ लेती है जैक की आत्मा। नाम इसी तरह जैक की आत्मा को होली स्टेक से स्टैब करके भागती है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है उस जगह पर जहां पर उसने एम्यूलेट को खोया था। लकीली नाम एम्यूलेट को ढूंढ लेती है, और तभी वहां पे आ जाता है थोंगसुक। थोंगसुक अपने ही शरीर के अंदर उस डीमन से लड़ रहा था, और वो नाम को भागने के लिए बोलता है, पर नाम थोंगसुक के पास से नहीं भागती। और जैसे ही थोंगसुक के अंदर डिमोनिक शक्तियां हावी हो जाती है, नाम उसके गले में डाल देती है वो एम्यूलेट। अब एम्यूलेट की वजह से सारे के सारे डीमंस एक एक करके थोंगसुक के अंदर से निकल जाते हैं, पर अब थोंगसुक भी मरने ही वाला था।
गायब होने से पहले थोंगसुक नाम को आई लव यू बोलता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है और रह जाता है थोंगसुक का एम्यूलेट, जिसे नाम उठा लेती है। अब इसके बाद नाम को सारी की सारी डिमोनिक शक्तियां घेरने लगती है, पर नाम उस एम्यूलेट को पहन लेती है और उस एम्यूलेट की वजह से नाम के अंदर से निकलती है एक तेज सफेद रोशनी, जो सारी की सारी डिमोनिक शक्तियों को दूर भगा देती है और नाम को सीधा होश आता है हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास, मतलब वो बच गई। नाम अपनी मम्मी से अब गले लगकर रोने लगती है और अब फाइनली यहाँ से सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पर नाम अपने मरे हुए दोस्तों को लेटर लिख रही थी और आज उसका बर्थडे था। नाम की माँ उसके लिए पहली बार केक लेकर आई थी और अब आप में से जिन लोगों को हैप्पी एंडिंग्स पसंद है, आप लोग यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि आगे की एंडिंग अब बिगड़ने वाली है। खैर, अब आगे जैसे ही नाम मोमबत्ती को बुझाती है, सब कुछ रिवर्स हो जाता है और वो पहुंच जाती है उसी कमरे में जहां पर डीमन उसकी माँ का रूप लेके आया था। मतलब उस टाइम के बाद से जो कुछ भी मूवी के अंदर हुआ, वो सब नाम के दिमाग के अंदर हो रहा था। नाम अब कैंडल बुझा देती है और सारे के सारे डीमंस उसे मार डालते हैं और मूवी इसी सैड और खतरनाक एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन थोंगसुक 13 मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।